मान रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल मनो सलवा। कैसे हैं व्यूवर्स आप? यकीनन खुशबाश होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ मटन कुन्ना बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने उसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी मटन कुन्ना कैसी लगी। उसके इन्ग्रीडियंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, जो कि हैं ये मैंने लिए है, एक जो चम्मच लिया है मैंने कसूरी मेथी का लिया है, और ये मैंने 1 इंच का टुकड़ा जायफल का था, और 2-3 पत्ते जो थे जावित्री के थे, इसको मैंने कूट के रख लिया है। और मैंने 1.5 चम्मच जो है मैंने टीस्पून लिया है हल्दी का, और 2 मैंने खाने के चम्मच लिए हैं सूखा धनिया, और मैंने 2.5 चम्मच लिए हैं लाल मिर्च के, और 2 चमचे मैंने लिए हैं नमक के। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा, ये खुश्क मसाला है, इसमें मैंने ज़ीरा लिया है 1 चमचा, और ये मैंने 3 से 4 जो है मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और 8 से 10 मैंने जो है काली मिर्च ली है, 4 से 5 लौंग ली है, और ये 3 जो मैंने लिए हैं बड़ी इलायची, और ये 4 अदद जो मैंने छोटी इलायची ली है, और 4 अदद मैंने जो है ये लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च ली है, और ये मैंने 4 बड़े प्याज थे जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। और 1 पाव के करीब मैंने घी लिया है। मटन कुन्ना घी में बनेगा, ऑयल में नहीं बनेगा, सही है। और ये मैंने जो है 3 से 4 चम्मच मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए हैं, और ये है फाइन आटा जो कि हम बाद में इसमें डालेंगे, ठीक है। और ये मैंने मेरा जो है मटन जो है तकरीबन 1 किलो गोश्त है, और कुछ मैंने बोंग जो इसकी जो बोन्स हैं वो मैंने इसके साथ ली हैं, हड्डियाँ, इसका जो टेस्ट निकलेगा हड्डियों का इसको और मज़ीद मज़ेदार कर देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस तरह का एक पैन लेंगे, ठीक है, उसके नीचे मैंने चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया है, ठीक, उसको हम फ्लेम ऑन कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम घी शामिल करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि कुन्ना जो है वो घी में बनेगा, ऑयल में नहीं बनेगा। अच्छी तरह से हम जो है बाउल साफ कर लेंगे, ऑयल इसमें से रिमूव कर लेंगे जो घी हमने लिया है। अब मैं इसके अंदर ये जो प्याज है ये शामिल कर दूंगी। अच्छा, प्याज जो है हमने गोल्डन नहीं करना, ठीक है, बस इसका जो है उसको नरम करना है, और उसका जो कलर थोड़ा सा मतलब ये कहने के सौते करना है हमने इस प्याज को। जैसे ही ये प्याज नरम होता है फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। हाँ जी, ये देख लीजिए व्यूअर्स, तो ये देखिए जी हमारा जो प्याज है वो नरम हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा मटन है वो हम इसमें अब शामिल कर देंगे, ठीक है, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, आप लोग जो है ना ऑयल अपनी मर्जी से, इसमें घी, ऑयल नहीं सॉरी, घी आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा ये मटन है ये ज़्यादा मतलब इसमें जो है फैट है, तो वो अपना फैट जो है इसमें से छोड़ेगा, तो फिर हमें जितना भी चाहिए होगा वो बहुत होगा, ये जो रोगन जो होगा ना वो अपना भी ये छोड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। अब जो है मैंने इसको मिक्स कर लिया है प्याज के साथ ऑयल घी के साथ। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, जो कि मैंने 2 चमचे लिए थे सूखा धनिया, और 2.5 चम्मच मैंने लिए थे लाल मिर्च के, और नमक आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल करते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो इसमें हम शामिल करते हैं। इसको मिक्स करूँगी। इसके अंदर ये जो हल्दी हमने ली थी वो हम इसके अंदर अभी शामिल करेंगे, बाकी जो है जायफल, जावित्री और कसूरी मेथी वो बाद में इसमें डलेगा, जब डलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। व्यूअर्स आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह बनाना है ये मटन कुन्ना,
और मेरे साथ ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और ये कैसा बना। बहुत मज़ेदार बनेगा। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। मेरी फैमिली को मज़ीद बड़ा कीजिएगा और मज़े मज़े के जो हैं पकवान अपने घर में बनाइएगा, दाद वसूल कीजिएगा जैसे कि मुझे मिलती है घर में। मेरे खाने का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं और आप बनाइएगा तो बताइएगा, ठीक है। जो हमारा गोश्त है उसमें मसाला थोड़ा मिक्स हो गया और ये इसकी जो पोजीशन है वो ये है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चार जो हमने छोटी इलायची ली थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। और ये चार छः जो हम लोगों ने साबुत लाल मिर्च ली थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और ये जो बड़ी इलायची ली थी, दालचीनी और काली मिर्च और लौंग, अभी हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। फिर इसके अंदर मैं जो हूँ पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख दूँगी, और जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा जो गोश्त है वो कितना गल गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तकरीबन हमने अभी एक किलो पानी इसमें शामिल किया है और एक किलो मैं और इसमें शामिल करूंगी ताकि जो मेरा जो मटन है वो अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है, बोटी कच्ची ना रहे इसकी। पानी एक किलो और इसमें शामिल करते हैं। और इसको मैं जब तक इसको ढाँप के रखूँगी जब तक कि मेरा गोश्त गल नहीं जाए। जब मेरा गोश्त गल जाएगा फिर मैं आप लोगों को इसकी जो लुक है वो दिखाऊंगी, और जो बाकी जो मसाले हैं वो उसके अंदर डालने होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इसकी जो फ्लेम है वो मैं मीडियम पे रखूँगी, अभी थोड़ा सा हाई रखूँगी, जैसे ये पकना शुरू होगा तो इसका जो फ्लेम है मैं वो मीडियम पे कर दूँगी। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो कहाँ तक पहुँचा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस कदर इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। अच्छा, इस टाइम अब मैं ये दो चीज़ें, जो ये ज़ीरा जो मैंने लिया था इसको तो हल्का सा मैंने ना कूट लिया है। इससे कूटने से क्या होता है कि इसकी जो खुशबू है ना वो बाहर निकल कर आती है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। और मैंने एक इंच का आपको बताया था कि जाफिल का जो था मैंने टुकड़ा लिया था, और जवत्री के दो से तीन मैंने वो पत्ते लिए थे, तो वो भी मैंने कूट लिए हैं, वो भी मैं इस टाइम इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहना बताना भूल गई थी कि लास्ट में जब मैं इसमें आटा डालूंगी तो इसके अंदर जो गरम मसाला है मैंने वो उसमें शामिल करना है, और ये कसूरी मेथी उस टाइम हम शामिल करेंगे। अब मैं इसको मिक्स करके छोड़ दूंगी कि अब जो है इन दोनों की जो खुशबू है वो हमारे गोश्त में शामिल हो जाए, और गोश्त भी तकरीबन हमारा लग रहा है कि गलने की तरफ ही है। अब मैंने जो इसकी थी ना आँच वो मीडियम कर दी थी, देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। अभी से ही दिल कर रहा है कि बस हम जल्दी से इसको खा लें। अब आपने मेरे व्यूअर्स इसी तरह तैयार करना है, और उसको फिर आपने तंदूर के नान के साथ खाना है, घर की रोटी के साथ खाना है, जैसे आपको अच्छा लगे। अभी तो ये तैयार हो रहा है, ठीक है, इसकी फ़ाइनल लुक जो है फिर जब गल जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है जी। व्यूअर्स, आपको मैं दिखाऊं कि मेरा गोश्त जो है वो गला है कि नहीं, और तकरीबन मैंने इसको एक घंटा या सवा घंटा मुझे लगा है मेरे गोश्त को टेंडर होने में, ठीक है। ये देखें गोश्त जो हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आटा पानी में घोल के रखा है फाइन आटा, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी।
अच्छा आज जो है हमारी वो दरमियानी ही है। अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसको करना है, निहारी स्टाइल नहीं करना है इसको, इसको थोड़ा जैसे कि हमारा जो शोरबा है वो गाढ़ा गाढ़ा नज़र आए, क्योंकि ना हमने इसमें टमाटर डाले ना दही डाला है, सिर्फ प्याज खड़े मसाले नमक मिर्च। देखें अब मैं इसको इतनी ही धीमी आँच, बल्कि इसमें और मज़ीद धीमी आँच कर दूंगी। अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर जो है गरम मसाला, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी सॉरी, इसमें मैं गरम मसाला जो है वो एक चम्मच, छोटी वाली चम्मच, ये देखें जैसे हाफ टी स्पून, अब मैं इसमें ये गरम मसाला डाल दूँगी और कसूरी मेथी। इससे जो है बहुत ही प्यारी जो है खुशबू हमारे खाने में आएगी। ये मैंने साफ करके और हल्का सा इसको मसल के रख लिया था। अब मैं जो है ना इसकी आंच बिल्कुल दानों पे कर दूंगी, जिससे जो ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कुन्ना है तैयार है, मटन कुन्ना। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, देखें क्या खूबसूरत लुक है इसकी भाई। मटन कुन्ना लजीज और मज़ेदार, ये आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कैसा आपका ये बना है मटन कुन्ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और अपने प्यारों को अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह बढ़ते जाइए, मेरी फैमिली को बढ़ाते जाइए और मेरे साथ शामिल होते जाइए और मज़े मज़े की आप लोग रेसिपी सीखिए। तो जी ये हमने निकाल लिया है डिश में, अब हम इसके ऊपर गार्निश के लिए कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला बस इसमें डालेंगे। अभी इसकी फाइनल लुक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।